नमस्कार, मैं स्काई और स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस बात की जिस बात की बात पूरा भारत कर रहा है, हाँ बात बजट की। और आज हमारे बीच मौजूद हैं मीडिया डिपार्टमेंट के वो एक्टिव स्टूडेंट्स जो पूरी जानकारी लेकर पहुंचे हैं आज बजट की। हमारे बीच है रिचर्ड, ईशांजलि, यशिता एंड अरिहंत। तो जब भी जिक्र आता है बजट का, बजट की बात होती है, जो रिक्शा चला रहा है, जो प्रॉपर जानकारी नहीं रख पाता है, तो अरिहंत उनको कैसे बताएंगे कि बजट क्या है? मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास एक कोरा कागज है, मुझे नहीं पता, उसके लिए बजट कितना है? हमें सबसे पहले तो हमारे संविधान में बजट नाम का कोई शब्द है ही नहीं। इसमें बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है और आर्टिकल 266 में हमारे संविधान में इसका जिक्र किया गया है। और पार्लियामेंट के बिना अप्रूवल के इंडियन गवर्नमेंट कोई भी फंड अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकती। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 2047 में भारत को आज़ाद हुए 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो बजट पेश किया गया है वो दूरदर्शिता को देखते हुए किया गया है और सभी सेक्टर्स को और सभी वर्गों के लोगों को इसमें ध्यान में रखकर लिया गया है। जी, आपने मतलब जैसे हम बचपन में देखते आए थे ना, वो बिस्किट के पैकेट के पीछे कई तरीके के टैक्स होते थे कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, तो इस बजट को समझ के ये पूरा पता चलता है कि वो जो पैसा विभिन्न क्षेत्रों से आता है उसे किस तरह इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस बार के बजट को लेके अगर मैं हम सारे एक्सपर्ट से पूछूं कि आपकी क्या राय है, बजट कैसा रहा 2023 का, तो यशिता जी? मेरे मुताबिक, मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ इनसे कि बजट जो है वो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और इसमें मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट क्या लगा कि स्टार्टिंग से ना हमें ये प्रॉब्लम आती है कि मतलब एग्जीक्यूशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से पर लास्ट बंदे तक पहुंच नहीं पाता। तो इसमें सप्तऋषि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका जिक्र किया, द 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट 2023। इसमें फर्स्ट है कि रीचिंग द लास्ट माइल, कि एग्जीक्यूशन हो रही है, दैट्स गुड, बट वी विल बी फोकसिंग ऑन रीचिंग द लास्ट पर्सन, कि जितने लोगों को इससे बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिले। एंड इसके अलावा यूथ इज पावर की बात की गई है एंड आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बजट, कि यूथ को सबसे ज़्यादा लाइक इट्स हाई टाइम दैट वी शुड इंक्लूड द यूथ। एंड हमें पता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो यूथ है, तो यूथ इज पावर के बारे में बात की गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। प्लस द बेस्ट पार्ट इज कि हम इतनी चीज़ों पे काम करेंगे बट इससे हमारी इन्वायरमेंट हैम्पर नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ग्रीन ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। इसके अलावा अनलीशिंग पोटेंशियल, हम सबको पता है भारत में बहुत पोटेंशियल है और इसमें हम हर रिसोर्स को उसकी बेस्ट पोटेंशियल तक यूज़ करें, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इस बार के बजट का। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा बात की गई है। सो इन अ वे वी कैन से कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, होलिस्टिक ग्रोथ, सो आई थिंक दैट ये बजट बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ईशांजलि? यस, आई डेफिनेटली एग्री विद यशिता एंड डेफिनेटली दिस ईयर्स बजट इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू और इनिशिएट G20 प्रेजिडेंसी एंड उसके हिसाब से भी बजट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बजट हर एक सेक्टर पर अपना ध्यान रखते हुए चल रहा है, वेदर इट इज़ फॉर वुमेन्स, फॉर फार्मर्स, फॉर यूथ एंड फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो आई थिंक दैट देर इज़ अ होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड बजट इज़ गिविंग इनिशिएटिव टुवर्ड्स दैट। जी रिचर्ड, मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मैं इस बजट के साथ बिल्कुल सहमत हूँ बिकॉज ये बजट बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। हम लोग देखेंगे जैसे हमारे देश भर के लोगों को बहुत फ़ायदा इस बजट के, इस बजट जो पास हुआ है उससे मिलने वाला है। हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इस बार ज़्यादा खर्चा किया गया ताकि देश भर के लोगों को आगे आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। और काफ़ी इस बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे महिला लोगों को अच्छा एक बेनिफिट मिला है, ओल्ड एज पेंशन में काफ़ी हमें बेनिफिट देखने के लिए मिला है। तो ये आने वाले साल में हमें बजट में काफ़ी देश भर के लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। जी रिचर्ड, आप काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स में जो बच्चों को, हमारे सभी दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जैसे रेवेन्यू, कैपिटल, अब रेवेन्यू और कैपिटल में फ़र्क समझा सकते हैं? रेवेन्यू और कैपिटल में बेसिकली अगर हम लोग फ़र्क देखें तो कैपिटल जो हमारा देखा जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग, मैं आपको एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए मुंबई में एक नया एयरपोर्ट
अगर बनता है तो वो देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक में उससे हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे ही रेवेन्यू अगर साहिल भाई देखा जाए तो वो रिकरिंग होता है, जो हर साल हमारे जो खर्चे देखे जाते हैं उसे हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात करी महिला सम्मान योजना की, जिसके तहत महिला को जो एडवांटेज मिलेगी वो 7.5% इन लोगों ने इस बार बढ़ा के बजट में दिया है, तो वो हमारा रेवेन्यू कैपिटल माना जाता है। हमारा देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश कहा गया है। 1948 के समय में 54% GDP का एग्रीकल्चर सेक्टर में जाता था और आज केवल 16%। कुछ आंकड़े आपको हैरान करेंगे, परंतु एक आंकड़ा ये है कि 1948 में करीब 50 मिलियन टन अनाज उगता था और आज के समय में 308 मिलियन टन। तो कृषि के क्षेत्र में इस बजट ने कितना डिफरेंस ये क्रिएट करने वाला है सीता जी। तो मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जैसे कि इन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंस से पहले भी, मतलब काफी सालों पहले से भी, हमारी जो GDP है उसका एक बहुत ज्यादा पार्ट एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आई वुड से द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। उनका रोटी खाना पीना सब कुछ एग्रीकल्चर से चलता था। एंड अगर हम आज की बात करें तो 58% ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ऐसे टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि बजट में एग्रीकल्चर को लेके बहुत एडवांसमेंट आए। एंड मुझे ये कहते हुए गलत नहीं लग रहा है कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है। लाइक जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, बजट ने उसको काफ़ी हद तक फुलफिल किया है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगी कि जैसे इंडिया में अब एंटरप्रेन्योरशिप की एक लहर जाग रही है, पर वहीं अगर हम बात करें एग्री टेक स्टार्टअप्स की, तो अभी तक एक भी यूनिकॉर्न नहीं बन पाया इसमें। लाइक यूनिकॉर्न होता है जब 1 बिलियन से ऊपर आपकी वैल्यूएशन होती है, एक भी अभी तक यूनिकॉर्न नहीं निकल कर आया। इसको प्रमोट करने के लिए हमारी जो सरकार है वो एग्रीकल्चर एक्सेलरेटरी फंड जारी करेगी, जिससे और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स इंक्लाइन होंगे इस फील्ड में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। एंड एडिंग ऑन टू दैट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा इस साल, एंड उसके लिए भी बहुत अच्छा खर्च करेगी सरकार, अगेन फॉर द सेम इनिशिएटिव कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो इंक्लाइन हो इसमें अपना योगदान दे हमारे देश के लिए। एंड ऑल्सो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो कि 63,000 है हमारे देश में, उसको 2516 crore का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है। एंड नॉट ओनली दैट, एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट है दैट इज 20 lakh crore, दैट इज सच अ ह्यूज नंबर। तो अब हमारे किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए तक की हेल्प मिल सक्ती है एज इन द फॉर्म ऑफ अ क्रेडिट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और टारगेट है कि नेक्स्ट 3 years में हम 1 crore फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग की तरफ इंक्लाइन करना चाहते हैं, उनको इनक्रेज करना चाहते हैं टू टेक अप नेचुरल फार्मिंग। इसी में अगर मैं ऐड करूं तो PM प्रणाम योजना, जिसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है वो मिनिमाइज किया जाएगा और इसके ऑल्टरनेटिव्स पे फोकस किया जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो लोग इसके ऑल्टरनेटिव्स को ऑप्ट करेंगे, सरकार उनको इंसेंटिव देगी। सो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कह सकते हैं यशिता कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है इस बार के बजट में, और एग्रीकल्चर में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में एग्रीकल्चर से भी यूनिकॉर्न देख लेंगे हम। तो कल मैं शाम को बैठे बैठे, जब मुझे पता था कि कल बजट पे बातचीत होगी, और मैं गाने सुन रहा था, एक हरियाणवी गाना था जिसमें लड़की कहती है कि मेरा एक एक सूट बने 2.5 lakh का, तो लड़का कहता है 2.5 lakh वाले ले ले 20 तू, यानी 50 lakh रुपए का खर्चा हो गया सूटों पे। तो अरिहंत भाई, कितना टैक्स देना पड़ेगा अगर एक बंदा 50 lakh रुपए कमा रहा है? तो टैक्स स्लैब भी इस बार चेंजेस किए गए हैं। यस, आपने सही कहा, जैसा कि इस बार पिछली बार तो टैक्स स्लैब उनमें काफ़ी अंतर है। जैसे जिसकी सैलरी 0 से 3 lakh है उसको कोई टैक्स नहीं देना, और जिसकी सैलरी 3 से 6 lakh है उसको 5% टैक्स देना होगा, और जिसकी सैलरी 6 से 9 lakh है उसको 10%, और जिसकी 9 से 12 lakh सैलरी है एनुअल उसको 15%, और जिसकी 12 से 15 है उसको 20%, और जिसकी 15 से अबव है उसको 30%। और जैसा कि आपने बताया 2.5 lakh के सूट है, और 20 वो सूट दिलाना चाह रहा है, तो 2.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 lakh। और एक नया रूल ये है कि 0 से 7 lakh के बीच में कोई टैक्स नहीं देना होगा, और जब 50 lakh में से हम 7 lakh माइनस करेंगे तो 43 lakh, और जो उसको टैक्स देना होगा वो 43 lakh पे देना होगा, और वो बनेगा
14 लाख के अप्रोक्स बनेगा। चलो भाई ध्यान दे लो, अगर 50 लाख के सूट दिलवा रहे हो तो 14 लाख टैक्स देना पड़ सकता है। तो अभी चलते हैं, हमारे बीच युवा बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि इनके कुछ प्रश्न है बजट को लेकर। मुझे पूछना है कि इस बार मेंटल हेल्थ पे जो बजट का एक्सपेंडिचर होता है वो पार्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है पहले से? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट डेटा इज इम्पॉर्टेंट, बट मोर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट देर इज एन इंक्रीज, देर इज एन इंक्रीमेंट इन हेल्थ सेक्टर एंड देर इज एन इंक्रीमेंट इन मेंटल हेल्थ इशूज, ताकि उन्हें इरेडिकेट कर सके। तो जैसे हम सोचते हैं कि हमें बहुत सारे डेटा मिलते हैं कि अदर कंट्रीज हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे बढ़ रही हैं, इंडिया में भी पीछे है या नहीं है, तो इंडिया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि बाकी फिजिकल हेल्थ इश्यूज से हटकर भी एक मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ भी आगे बढ़े, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, रेदर देन डेटा एनालाइजिंग द डेटा, एक स्टेप आगे लेना इज मोर इम्पोर्टेंट। और हेल्थ सेक्टर में बजट पे काफी ध्यान दिया गया, 2015 में 157 मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात की गई थी और इस बार वो 157 मेडिकल कॉलेजेस के पास 157 नर्सिंग होम्स खोलने की बात इस बजट में की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज पहुंच सके। अच्छा, अगर ऐसा कोई प्रश्न कि इस बार के बजट में उनकी ये एक्सपेक्टेशन थी और ये पूरी नहीं हो पाई, कुछ कमियां अगर किसी को नजर आती हैं कि हाँ। हर साल एक बात होती है कि अभी जैसे आपने कहा कि लास्ट माइलस्टोन तक जाएगा बजट का जो फायदा होगा, हर साल एक बात होती है, हर साल नए नए बजट निकलते हैं, तो इस बार क्या वो माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए क्या वो स्टेप है जो सरकार करेगी? देखिए, इस साल फिस्कल डेफिसिट पहले की से कंपैरेटिवली कम है एंड आई थिंक बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लाइक एक सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में। और इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक कि एज आई मेंशन बिफोर कि मेरी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक फुलफिल हो चुकी हैं। तो हर सेक्टर में इम्प्लीमेंटेशन को लेके एंड मतलब बहुत सारी लाइक अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इतने सारे स्कूल्स लाइक इवन फॉर द ट्राइबल पीपल द एकलव्य मॉडल, वहाँ पे 38,800 टीचर्स रिक्रूट किए जाएंगे। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन कि जहाँ पे हम ट्राइबल बच्चों को एजुकेट करने की बात करते हैं, हमारे पास स्कूल्स हैं, 38,800 टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा जो उन बच्चों को पढ़ा सके। एंड सिमिलरली जहाँ पे हम 158 नर्सिंग होम्स खोलने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वी विल बी नीडिंग पीपल हु विल बी टीचिंग देम, राइट? तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट आएगी। एंड तो ऐसे ही इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं हर सेक्टर में। आई वॉन्ट टू एड सम ऑफ द स्कीम्स, सब तक विकास पहुंचे, सबका विकास सबका साथ, उसी को एक्सप्लेन करने से है जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट करी हैं। पहली है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम, अ पैकेज ऑफ असिस्टेंट फॉर ट्रेडिशनल असिस्टेंट एंड क्राफ्ट पर्सन। ट्रेडिशनल असिस्टेंट आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पर्सन जो एजुकेशन फील्ड में तो नहीं बट एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी आर्ट से, अपने क्राफ्ट से, तो उनको इनिशिएट देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। एंड देर इज डेवलपमेंट ऑफ 50 डेस्टिनेशंस कंप्लीट होलिस्टिक टूरिज्म के लिए, तो टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, जिससे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, शॉप पीपल्स होते हैं जो शॉप वगैरह ओपन करते हैं, उनको भी लोअर लेवल के पीपल होते हैं, मतलब लोअर लेवल के पीपल नहीं बट हु आर अर्निंग लेस, बट उनकी अर्निंग को इनिशिएट देने के लिए ये स्टेप लिया गया है। एंड आई वॉन्ट टू एड दैट स्किल को इनिशिएट देने के लिए 30 स्किल इंडियन इंस्टीट्यूट ओपन करे गए हैं, सेंटर ओपन करे गए हैं बहुत सारी जगहों पर, और मोर ओपन करने की आगे बात भी चल रही है बजट में। जोड़ना चाहूँगा, जैसे सरकार की चार मुख्य योजनाएं पिछले कुछ सालों से चलती आ रही हैं, जैसे हर घर नल योजना, उसमें भी सरकार ने इस बार अच्छा खासा फोकस किया है, उसमें सरकार ने 9 करोड़ का बजट आवंटित किया है इस योजना के लिए, और एक योजना है पीएम जनधन बैंक अकाउंट, और उसमें सरकार ने 47.8 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, और है एक उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्ज्वला योजना, उसमें सरकार ने 9.6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, और एक है स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय रूरल एरियाज में जो बनाने हैं उसमें 11.7 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्या बात है, ये बहुत वाजिब प्रश्न था ये, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे मैंने भी सोचा था जिम जाऊंगा, 1 महीना जा चुका है, तो का ऐसा बजट ना निकले, ये सब तक पहुंचे, सबका विकास, और जो सप्तऋषि 7
पॉइंट्स दिए गए, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि लास्ट माइलस्टोन तक हमें रीच करना है ताकि हर घर तक पहुंच सके। इस बार अभी जो यशिता ने जिक्र किया कुछ एक टर्म आई फिस्कल डेफिसिट, तो अरिहंत जी आप मुझे बता पाएंगे फिस्कल डेफिसिट क्या है, सरकार इसे कम करना चाह रही है बढ़ाना चाह रही है? मैं ये फिस्कल डेफिसिट की जो डेफिनेशन एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे हमारी आमदनी है 100 रुपए और हम खर्च कर रहे हैं 110 रुपए, जो 10 रुपए हमने जो फालतू खर्च किए हैं वो हमारा फिजिकल डेफिसिट कहलाता है, मतलब हमको वो 10 रुपए हमको कहीं ना कहीं से उधार लेने पड़ेंगे। और जैसे कोरोना के टाइम में जो इंडिया की फिजिकल डेफिसिट थी वो 6.9% चली गई थी, और जो इस बार सरकार ने जो एस्टिमेट लगाया है वो है 5.9%, और सरकार ने ये कहा है कि 2025-26 तक हमको ये 4.5% तक लेकर आने, मतलब मिनिमम करनी है। और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको भी सरकार ने कहा है कि आप भी 3.5% तक अपनी फिजिकल डेफिसिट को रखेंगे। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अगर 100 रुपए हम यूज कर रहे हैं 4.5 रुपए कर्ज होगा, तो इसको कम से कम लेकर आना है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट हमारे दर्शकों को पता चला होगा, मुझे भी नया कुछ पता चला। साथ में इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर आर्थिक रूप से बड़ी मजबूती देने वाला है G20, क्यों ईशांजलि? डेफिनेटली G20 की प्रेसिडेंसी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बट इंडिया के लोगों के लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इफ फॉरेन कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग बाय इन्फ्लुएंस होते हैं वो किसी भी चीज़ से, किसी क्वालिटी से हमारी, तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, न्यू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आएंगी, न्यू ट्रेड ओपन होंगे, ट्रेड रूट्स ओपन होंगे, रिलेशन अच्छे होंगे हमारे साथ साथ। तो बजट में उसका इनिशिएटिव डेफिनेटली लिया गया है, क्योंकि बजट में जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के लिए जो बजट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है, और मेरे हिसाब से 990 करोड़ का जो इंक्रीमेंट है वो जस्ट बिकॉज ऑफ G20 प्रेजिडेंसी है। एंड उसका यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे होने वाला है, किस डेवलपमेंट के लिए होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी होने वाला है, ये दैट इज डेफिनेटली। एंड उसका इम्पैक्ट हम लोगों पर डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि जब कुछ चीज़ ऊपर से स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे नीचे आने तक उसे टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की प्राइजेज, अगर हम पेट्रोल बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसके प्राइसेस में भी फर्क आता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगी कि कंट्री में कोरोना फैला था, सब जगह बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहे थे, सारी कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा फेस कर रही थी, बट मुझे लगता है कि इंडिया ने उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया और काफ़ी ज़्यादा हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतरा, क्योंकि हमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आई लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि दूसरी कंट्रीज की तरह हम बिल्कुल क्राइसिस में ही डूब गए हैं। तो जस्ट बिकॉज हम एक्सटर्नल अफेयर्स मेंटेन करके रखते हैं, तो G20 की प्रेसिडेंसी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो अपने रिलेशंस हैं उनको अच्छे कर सकें बाकी कंट्रीज के साथ, और जो एग्जिस्टिंग हमारे रिलेशंस हैं उन्हें और ज़्यादा एम्पावर कर सकें। थैंक यू जी। कुछ और प्रश्न हम वी वुड लाइक टू वेलकम। मेरा पूछना ये है कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हम स्पेंड करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा कि सर ने हमें पहले बताया कि एक टाइप का डेट है, तो अगर आप, मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी पैसों की कमी है, या फिर मैं एज अ पर्सन मुझे एक हाउस बिल्ड करना है, लेकिन मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर या उससे आगे आने वाले ईयर्स में मेरा अच्छा खासा मेरी कमाई होने वाली है, और मैं अगर कुछ डेट लेती हूँ तो मैं उसे पे कर पाऊँगी ईजीली, बट मैं प्रेजेंट में अपनी फैसिलिटीज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, इसलिए मैं डेट ले रही हूँ और एक बड़ा सा घर बना रही हूँ और आगे आने वाले फ्यूचर में मैं पे कर दूंगी। तो इस सेंस में अगर हम कंट्री से ऐड करें, अगर कंट्री इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो आगे इम्प्रूवमेंट से अपनी कंट्री में उस डेट को पे कर पाएंगी, तो उन्हें अपने प्रेजेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं कहना चाहूँगी कि फिस्कल डेफिसिट ठीक है बट कुछ लेवल तक, जहाँ तक उन्हें लगे कि वो पे कर पाए। आपके प्रश्न का मैं एक साधारण सा उत्तर देना चाहूंगा। आपने कहावत सुनी होगी कि जितने पैर है उतनी चादर पसारी है, लेकिन ये कहावत हमारे देश पर लागू नहीं होती है। इसका साधारण सा उदाहरण ये है कि हमारे देश में कमाने वाले हाथ बहुत कम है और खाने वाले मुंह बहुत ज्यादा है, तो 2% जैसे कि हम लोग रिकॉर्ड में चेक करते हैं, 2-3% सिर्फ टैक्स पेबल है, तो हमारे पास जो रेवेन्यू है बहुत कम है, इस वजह से हमारा देश भी फिस्कल डेफिसिट में है। तो उसका मैं जवाब दूंगा।
फिस्कल डेफिसिट को सही कहना तो वाजिब नहीं होगा, क्योंकि अगर फैक्ट्स पे बात करें तो भारत में का जो इनकम जहां पे लग आ रही है उसमें 34% आ रहा है लायबिलिटीज से और ये सब जो हम बाहर से लोन ले रहे हैं, लेकिन आप देखिए जब हम खर्च करने की बात करते हैं तो 20% उसी चीज के इंटरेस्ट में जा रहा है, तो ब्याज भी दे रहे हैं हम 20% का। तो भाई जितना हम दे सकते हैं, जितना हमें जरूरत है उतना ही ले, कर्जदार ना बने, ये जरूरी है। और प्रश्न बिल्कुल कि बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं एंड वन ऑफ देम यू सेड इज रिक्रूटिंग, राइट, कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में प्रोफेसर्स या फिर टीचर्स को रिक्रूट करना। बट रिसेंटली हमने एक केस देखा है जहां पर एक लार्ज नंबर में प्रोफेसर्स को फायर कर दिया गया। सो डू यू थिंक इट हैज एनी रिलेशन विद दैट और डज डिड आवर लास्ट बजट हैड एनी प्रॉब्लम? सो what do you think why did it happen? What I feel is ab hamara desh na technology driven hona chahta hai, hum zyadatar for the learning loss also jaise ki hamari sarkar ne is baar digital libraries ka setup kiya, right, to wo that's for the learning loss jo ki covid years mein bachcho ko loss hua, they want to recover that, okay, so we are turning more into the technological part on the digital mode. So I think जो वहाँ पे fire किए गए हैं etc. तो maybe that's one of the reason कि अब जो ज़्यादातर लोग हैं वो technology पे और digitalization की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं. And obviously I would still stick to it कि employment देना एक बहुत अच्छा वो है, क्योंकि as he said जितने ज़्यादा हमारे पास कमाने वाले हाथ नहीं है उतने ज़्यादा खाने वाले मुँह हैं। अगर आपको पता है तो only 2% people in India are paying the tax. What about the 98% of them, right? तो I think recruitment, अगर हम कमा रहे हैं तो हम टैक्स देने के हकदार बनते हैं एंड उससे इन द एंड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारा ही फायदा है। सो या आई थिंक यू गॉट योर आंसर। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मेरा प्रश्न इलेक्शन से रिलेटेड है। जैसे कि हम जानते हैं 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं और इस बार के बजट में हमने देखा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन ने एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन से रिलेटेड जो टर्म है वो पिछले बजट के मुकाबले ज़्यादा बार इस्तेमाल करी है। और ये भी देखा गया कि जब 2019 में लोकसभा इलेक्शन आने वाले थे तो अरुण जेटली जी ने अपने बजट में यही टर्म्स जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट, यूथ एम्पावरमेंट जो टर्म्स हैं वो ज़्यादा बार उपयोग करी थी। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या जब लोकसभा इलेक्शन करीब आ रहे होते हैं तभी बजट में इस मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या फिर बाकी बजट्स में भी इतना ही ध्यान दिया जाता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो गवर्नमेंट रोज़गार पर ज़्यादा ध्यान देती है। जितने भी पिछले 4-5 साल से जितने भी बजट आए हैं गवर्नमेंट ने रोजगार पर बराबर ध्यान दिया है, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं। नहीं हरियन जी, ऐसे आप सरकार की पैरवी नहीं कर सकते ना, वो ऐसा होता है कि जब कितना ही पढ़ लें पूरे साल लेकिन एग्जाम से जो पहले का एक महीना होता है वो तो जोर लगता ही है। तो कह सकते हैं सरकार ने वो करने की कोशिश की है, एम्प्लॉयमेंट पे बात करने की कोशिश की है और बेरोजगारी पे, आप पूर्ण रूप से सरकार का पक्ष नहीं ले सकते, बहुत कमियां भी हैं। कमियां तो रहती ही हैं, लेकिन मैं इसका एग्जांपल एक देना चाहूंगी। जैसे दिवाली आती है तो ही हम घर को सजाते हैं, तभी हम पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, तभी हम सफाई करते हैं। ऐसे ही जब बजट आता है तब इन सब चीजों की बात होती है, बट फायदा तो फिर भी हमारा ही हो रहा है, सफाई हमारे घर की ही हो रही है, हमारी कंट्री की ही हो रही है। तो जॉब इंक्रीमेंट की अगर बात होती है तो वो हर साल होती है और हर साल उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, इस चीज पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो तो इस साल भी अगर बात हुई है तो इम्प्रूवमेंट हो, यही हम आशा करते हैं। I would like to mention one negative point according to me कि इस बजट में नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी बात नहीं हुई है। कुछ ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिए गए हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बजट के थ्रू इम्प्लीमेंट हो सके, मुझे ये लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आज हमारे बीच मौजूद थे हमारी बेहतरीन ऑडियंस जो युवा थे, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स दिल्ली के स्टूडेंट्स। एंड बहुत हमारे सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद, रिचर्ड जी फिर से, ईशांजलि, यशिता एंड अरिहंत की। और मैं अंत करूंगा अपनी दो पंक्तियों के साथ कि अब भी सुधर जाएं तो सब बचा रहेगा, अब भी सुधर जाएं तो सब बचा रहेगा और कानून से पहले कर्तव्य समझे तो अच्छा रहेगा, कर्तव्य समझे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।